हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 साइकोलॉजी सेंटअप एग्जाम का आंसर की। जी हाँ, जिन्होंने सेंटअप एग्जाम साइकोलॉजी का दे चुका है तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं या कितने के रॉन्ग दिए हैं तो यहाँ पे। और जिन्होंने अभी जिनका साइकोलॉजी का एग्जाम नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोग आंसर की को देख लीजिएगा कि हाँ जी हाँ, क्योंकि ये जो मैं आपके पास लेके आया हूँ यही क्वेश्चन आपको यानी सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको यहाँ पे क्या करना, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना और एग्जाम में आपको सही से बनाने हैं। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की ओर, जिसमें आपको यहाँ पे यानी 70 क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा आपको सेक्शन ए में, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको क्या करने हैं 35 के आंसर बताने हैं, जो आपको सबसे अच्छा लगे आपको उसी को बनाना है। जी हाँ, क्योंकि आपको 35 क्वेश्चन का ही आंसर लिखना है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। चलिए, जिनको पता होगा तो आप लोग आंसर दीजिएगा और आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों ने सही दिया है या नहीं दिया है, और जो नहीं दिए हैं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किससे आनंद सिद्धांत कहा जाता है। जी हाँ, तो किसे आनंद सिद्धांत कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी अहां को क्या कहा जाता है, आनंद सिद्धांत कहा जाता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में व्यक्तित्व सिद्धांत के शील गुण उपागम का अग्रणी कौन है। जी हाँ, तो यहां पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी युंग हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग और मिलाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता या विकासक कौन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ये मर्रे एवं मॉर्गन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नांकित में से दवाओं के प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी दिन प्रतिदिन की उलझन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपको आंसर बता हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का आंसर। DSM-IV-TR में कितने आगे यानी आयाम है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और मिलाने की कोशिश कीजिएगा, और जो नहीं दिए हैं एग्जाम तो यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सेंटर एग्जाम में पूछा जाएगा। विभ्रम मनोविदलता के किस लक्षण के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, तो किस लक्षण के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धनात्मक लक्षण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्राणायाम कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए बताइएगा आप लोग आंसर, स्ट्रेस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी लैटिन हो जाएगा। अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में किस चिकित्सा में क्लासिकी अनुबंधन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी व्यवहार चिकित्सा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में विश्वविद्यालय एक उदाहरण है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी द्वितीयक समूह का। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है, किसने संज्ञानात्मक और संवादिता पर अधिक बल डाला है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी थर्स्टन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा। जी हाँ, यानी घन रचना परीक्षण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से मनोचिकित्सा का उद्देश्य कौन सा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी आत्मचेतना हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में मनोवृत्ति के 3 तत्वों के संग्रहण को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी भावात्मक तत्व हो जाएगा। चलिए, आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्न किस्में सदस्यों का पूरक कौशल होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ये दलमय हो जाएगा। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपको लाइक कर देना। जी हाँ, और अपने दोस्तों में आपको हर हमें शेयर कर देना। जी हाँ, जिन्होंने यानी साइकिल का एग्जाम दे चुका है और नहीं दिया है तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो क्या कर दे, अच्छे से एग्जाम को दे पाए और जो दे चुके हैं अच्छे से यानी सोल्यूशन कर पाए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि मैंने जितने भी सब्जेक्ट है सबका आंसर की अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट का अपलोड है। चलिए, तो आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है। सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी भेदभाव से हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में जनसंकुलन की अनुभूति में किसे शामिल नहीं किया जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एकांतता में कमी। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में
बांध, सड़क इत्यादि उदाहरण है। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं निर्मित पर्यावरण के। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? निम्नलिखित में से कौन गरीबी का कारण नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आर्थिक कारक हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में? चलिए तो आपको आंसर बताओ, बताइएगा जरूर आप लोग। एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए कौन, यानी किन कौशलों की आवश्यकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में? साक्षात्कार प्रारूप में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी चार हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्या है 22 में? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंतःक्रिया को कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी साक्षात्कार कहा जाता है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 में? मानव संप्रेषण के तत्व कौन कौन से है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है? परामर्शदाता की विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है? MMPI में कितना एकांश पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 530 हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? सामाजिक सीखना सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हां, यानी बेंडुरा ने। अब देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में? मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मैस्लो हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में? सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय को किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सैलोबी एवं मेयर ने। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 29। क्या है 29 में? परामर्श संबंधी आवश्यक तत्व कौन नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी सामूहिकता नहीं है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 30 में? जल्दी जिनको पता होगा तब आंसर बताइएगा। थर्स्टन के अनुसार कितनी मानसिक क्षमताएं हैं? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी 6 हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोला जा रहा है 31 में? कौन सृजनशील व्यक्ति है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्या बोला जा रहा है? व्यक्तित्व पद लैटिन शब्द परसोना से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी मुखौटा हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन 33 में? किसने पूर्णतः यानी प्रकार्यशील व्यक्ति का विचार प्रस्तावित किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी रोजर्स हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन 34 में? जो व्यक्ति बहुत हसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी बहिर्मुखी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है? मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी स्वप्न विश्लेषण हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जाए 36 में? सामाजिक प्रभाव का वर्णन किसने किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कैलमैन हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्या है? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए किसकी आवश्यकता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्या 38 में? कैफीन एक तरह का उत्तेजक है जिसका 75% उपयोग किया जाता है, जी हाँ, यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर कोला में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है क्वेश्चन 39 में? चलिए पता होगा तो आंसर जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर हाल में, जी हाँ, क्योंकि सारा आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आंसर की अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिएगा। टाइप एच व्यक्तित्व किस यानी की विशेषताएं कौन सी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 40 में? सृजनात्मक व्यक्ति की बुद्धि होती है, जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, अति श्रेष्ठ होती है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन 41 में? पर्यावरणीय दबाव कारकों का उदाहरण है, तो फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्या है क्वेश्चन 42 में? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्षेपी प्रविधि है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सामान्य बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 43। क्या है? जब बुद्धि परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता तब वह है, जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोला जा रहा है? भारत में बुद्धि को मापने का वैज्ञानिक प्रयास किसने किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी MM मोहसिन ने। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45।
45, क्या है क्वेश्चन नंबर 45 में, चलिए आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। किसने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बीने हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है, मदर टेरेसा में कौन सा शीलगुण अधिक था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केंद्रीय शील गुण। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला जा रहा है, 47 में मनोविक्षिप्तता में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क्षीण स्मृति। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला जा रहा है, मनोमितिक परीक्षण का अन्य नाम है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पेपर पेंसिल परीक्षण। देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, क्वेश्चन 49 में मनोवैज्ञानिक दवाओं का उदाहरण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी हाँ, यानी कुंठा हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, सकारात्मक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का कारक है? तो 50 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी व्यायाम हो जाएगा। चलिए आपको क्लास को लाइक कर दे रहा है, जी हाँ, जिनको क्लास अच्छी लग रही है और जो अब तक यानी साइकोलॉजी एग्जाम नहीं दिए तो आप लोग ध्यान से देखिए, जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको यही क्वेश्चन सेंटर एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको सारे क्वेश्चन को बना लेना है सही से। अगर आप यानी सारे सब्जेक्ट का आंसर की चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 7827276801, जी हाँ, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और सारे आंसर की ले सकते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 को क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 में तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी व्यक्तित्व हो जाएगा, जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, क्वेश्चन नंबर 52 में, चलिए तो आप लोग आंसर बताइएगा जरूर, और सामान्य व्यवहार का कारण अलौकिक जीव है, यह है, जी हाँ, 52 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक उपागम हो जाएगा। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 चलिए स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन 53 चलिए तो आप लोग आंसर बताओ तो बताइएगा जरूर आप लोग, जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसने अलमीरा बंद किया या नहीं, तो ये उदाहरण है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, मनोग्रसित बाध्यता विकार हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या है 54 में, चलिए तो बताइएगा आप लोग आंसर, कौन सा मादक द्रव्य का प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी डी हो जाएगा, जी हाँ, काला पीत हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन 55 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 में मनस्चिकित्सीय संबंध के लिए कौन सा आवश्यक है? जी हाँ, यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 55 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जी हाँ, यानी परानुभूति हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 स्क्रीन पे आ चुका है, किसने क्रमबद्ध वीज संवेदीकरण का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी फ्राइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है 57 में भारतीय दृष्टि कौन सी वैकल्पिक चिकित्सा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है 58 में, चलिए बताइएगा आप लोग आंसर, पूर्वाग्रह का कारण कौन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है 59 में किसने छवि निर्माण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ट्रेविस हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला जा रहा है 60 में समूह निर्माण के प्रमुख कारण है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, क्वेश्चन नंबर 61 में बताइएगा आप लोग आंसर, किसने लोकप्रिय पुस्तक इन दी माइंड्स ऑफ मैन लिखे हैं? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गार्डनर मर्फी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 स्वतंत्र सहचर्य, जी हाँ, स्वतंत्र सहचर्य एवं स्वप्न विश्लेषण का उपयोग किस चिकित्सीय विधि में होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी लोगो चिकित्सा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 किपको आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, यानी हिमालयन उत्तराखंड क्षेत्र। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 तूफान किस प्रकार की विपदा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्राकृतिक हो जाएगा। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 65 में ई हाल के अनुसार किसे व्यक्तिगत स्थान के प्रकारों में शामिल नहीं किया जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मनोवैज्ञानिक दूरी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा टेलीविजन का ऋणात्मक प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निष्क्रियता बढ़ता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 67 क्या है बोला जा रहा है, यहाँ पे कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोला जा रहा है, प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक
हिस्सा होता है तो उसे कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जी हाँ, सहभागी परीक्षण हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला जा रहा है, किसे शरीर की भाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, भाषा को। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आखिरी क्वेश्चन है हमारे 70 क्वेश्चन में से, मानव संप्रेषण का पहलू कौन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जी हाँ, यानी मानकीकृत व्याख्या हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने जो सेक्शन ए में, यानी जो सेक्शन ए में जो 70 क्वेश्चन था हम लोगों ने कवर कर लिया है, जिसमें से आपको 35 क्वेश्चन के एग्जाम में आंसर बनाने हैं, और जो आपको नहीं 70 में सबसे अच्छा लगेगा आपको 35 का बनाना है। जी हाँ, क्योंकि आपको 35 के राइट करने हैं, तो आपको जो सबसे अच्छा लगे उसी को बनाना है, और आपको 35 ही बनाने, उससे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और आप इस तरह सारे सब्जेक्ट का आंसर की चाहती है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सारा कुछ अपलोड हो चुका है। चलिए, तो मैं यहां पे आपको सब्जेक्ट दिखा देता हूं कि सब्जेक्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग देख लीजिएगा और आप लोग अच्छे तरीके से एग्जाम में यानी लिखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, चेतन एवं अचेतन के बीच अंतर करें। जी हाँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है इसके बारे में। और दूसरा देख लेंगे, यानी मानव व्यवहार पर गरीबी के प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा क्वेश्चन है, किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन करें। उसके बाद है, व्यामोह क्या है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यूस्ट्रेस एवं डिस्ट्रेस में अंतर करें। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आपको अच्छे से आंसर देने हैं। उसके बाद हमें क्या बोला जा रहा है, सामाजिक कौशल क्या है। उसके बाद यहाँ पे संपुष्टि क्या है, मनोवृत्ति की परिभाषित करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या है, नेतृत्व के प्रकारों का वर्णन करें। जी हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ पे आपको यानी सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है। जी हाँ, सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं आपको, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है, 1 to 20 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन। जी हाँ, आपको 10 ही क्वेश्चन के आंसर बताने हैं, 1 से 20 तक के क्वेश्चन में से। और यहाँ पे यानी एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स मिलेगा, और जिसका जो लिमिट है आपको 30 से 40 वर्ड्स में बनाने हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको 10 ही बनाने हैं, यानी 1 से लेकर 20 क्वेश्चन में से। और आगे देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्या है, आप लोग देख लीजिएगा ये सारे क्वेश्चन को, और आप लोग यानी 10 ही क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो कि आपको 2 नंबर करके मिलेगा। और यहाँ पे आपका आ चुका है, यानी क्या आ चुका है, यहाँ पे 5 नंबर वाले, जिसमें आपको यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आपको क्या करना है, 3 ही क्वेश्चन का आंसर बताने हैं आपको, जिसमें से आपको क्या मिलेंगे, यानी 1 क्वेश्चन का 5 मार्क्स मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर की सॉल्व कर लिया है, और आप इसी तरह का आंसर की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।